हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो. माईसेल्फ अंकित. और दोस्तों, आज का अपना जो जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलॉजी एंड मिसलिनियस दैट बिलोंग्स टू इरिगेशन इंजीनियरिंग, और जो ट्यूटोरियल नंबर है 19. दोस्तों, इससे पहले अपन ने इरिगेशन में इरिगेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी MCQs अपने लास्ट टेन ईयर्स SSC JEE में आए थे, वो सभी अपन ने सॉल्व किए थे. तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो हाइड्रोलॉजी एंड मिसलिनियस. मिसलिनियस में कि इरिगेशन के मिसलिनियस क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, और हाइड्रोलॉजी से मिसलिनियस क्वेश्चंस जो भी लास्ट 10 ईयर्स SSC JEE में आए, वो सब अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज? दोस्तों, जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो साइमन्स रेन गेज होता है. जो साइमन रेन गेज होता है वो दैट इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंडिया, और इट इज़ इंस्टॉल्ड इन एन ओपन एरिया ऑन द कॉन्क्रीट फाउंडेशन. और जो रेन गेज से जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो रेन गेज से जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, वो एटलीस्ट इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी, उसकी ट्वाइस एटलीस्ट उसकी डिस्टेंस होती है. और जो रिकॉर्डिंग गेज होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग. तो जो रिकॉर्डिंग गेजेज होते हैं दोस्तों, दीज रिकॉर्डिंग गेजेस प्रोड्यूस ए कंटिन्यूस प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल शॉर्ट ड्यूरेशन डेटा ऑन एन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस. जो कॉमनली यूज अपने रिकॉर्डिंग गेजेस होते हैं, उसमें एक अपना हो गया टिपिंग बकेट, एक अपना हो गया वेगिंग बकेट, एक हो गया अपना नेचुरल साइफन टाइप का जो गेज होता है. तीन तरीके के आपके रिकॉर्डिंग गेज हुए. रिकॉर्डिंग गेज कितने हुए? तीन तरीके के: टिपिंग बकेट, वेगिंग बकेट और एक नेचुरल साइफन. और एक अपना जो नॉन रिकॉर्डिंग गेज होता है, जो कि एक्सटेंसिवली यूज होता है ऑल ओवर इंडिया में, जो वाइडली यूज होता है, वो हो गया साइमन्स रेन गेज. दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका SSC JEE 2011 में पूछा भी गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ. जो हाइटोग्राफ होता है वो क्या दिखाता है? रेनफॉल की इंटेंसिटी दिखाता है विद टाइम. सो हाइटोग्राफ शोज द रेनफॉल इंटेंसिटी विद द टाइम. बेसिकली क्या होता है, जो हाइटोग्राफ होता है, हाइटोग्राफ इज डिराइव फ्रॉम द मास कर्व एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज ए बार चार्ट. हाइटोग्राफ इज मोर प्रेफर्ड देन मास कर्व सिंस इट इज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ हाइटोग्राफ. ओके दोस्तों, सो बेसिकली हाइटोग्राफ क्या दिखाता है? कि आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी पर्टिकुलर एरिया में कितनी हुई है, कितने पर्टिकुलर टाइम में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेन स्टॉर्म आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय डेड कर्व. जो आपका एरियल कैरेक्टरिस्टिक है रेन स्टॉर्म का, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डेड कर्व, DAD कर्व. दोस्तों, ये डेड क्या होता है, DAD क्या होता है? DAD स्टैंड्स फॉर डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप. डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप. तो बेसिकली किसी भी एरिया की जो डेप्थ होती है, सो दैट जो डेप्थ ऑफ ए रेनफॉल एट ए रेनगेज स्टेशन इज कॉल्ड दी पॉइंट रेनफॉल. पॉइंट रेनफॉल क्या कहलाता है दोस्तों? कि डेप्थ ऑफ रेनफॉल एट ए रेनगेज स्टेशन इज कॉल्ड दी पॉइंट रेनफॉल. और टू कन्वर्ट पॉइंट रेनफॉल डेटाज इंटू ए एरियल रेनफॉल डेटा. टू कन्वर्ट पॉइंट रेनफॉल डेटा इंटू ए एरियल रेनफॉल डेटा, दैट मीन्स कि टू फाउंड हाउ मच ऑफ रेनफॉल विल अकर ओवर वेरियस एरियाज, डेप्थ एरिया कैलकुलेशन कर्व इज यूज. कि मतलब कितने अलग अलग एरियाज में कितना रेनफॉल होगा, हाउ मच रेनफॉल विल अकर इन वेरियस एरियाज, DAD कर्व इज यूज. ठीक है, तो पॉइंट रेनफॉल क्या होता है दोस्तों? पॉइंट रेनफॉल समझ आ गया कि किसी भी रेन गेज स्टेशन पर जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल होती है, दैट इज पॉइंट रेनफॉल. और पॉइंट रेनफॉल को एरियल रेनफॉल में कन्वर्ट करने के लिए कि कितना रेनफॉल अकर होगा अलग अलग एरियाज में, उसके लिए डेड कर्व यूज किया जाता है. तो एरियल कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है? जो द एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय डेड कर्व. सो राइट आंसर इज ए. ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में SSC JEE में पूछा गया था. नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं कि द मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज. डेफिनेटली कि जो मैक्सिमम रेट होती है स्टॉर्म रन ऑफ की, दैट इज पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज. राइट,
rational method of estimating peak runoff may be used precisely for area less than 50 hectares से भी कम में वो precisely use होती है, right? The period after which the entire area starts contributing to the runoff is called the time of concentration. एकदम right. So दोस्तों इस question में आपको जो तीन options दे रखे हैं वो एकदम सही है. So which option is right? Option D is the right. All options are the correct. क्योंकि जो तीनों ही statement दे रखे हैं वो एकदम सही है. Next question. If the length of overland flow from the critical point to the mouth of the drain is 13.58 kilometer, ठीक है, and difference in level between the critical point and the drain mouth is 10 meter, then the inlet time, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, इनलेट टाइम बेसिकली पूछ रहा है. तो दोस्तों अपन को L दे रखा है, दैट इज 13.58 किलोमीटर, ठीक है, और अपन को H दे रखा है, डिफरेंस इन लेवल, दैट इज अराउंड 10 मीटर, ठीक है, और अपन से पूछ क्या रहा है, इनलेट टाइम. दोस्तों इनलेट टाइम का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन अगर टी से अगर रिप्रेजेंट करें, दैट इज 0.885 एल क्यूब अपॉन एच की ओवरऑल पावर 0.385, ठीक है, जिसमें एल अपना किलोमीटर में होना चाहिए, तो एल अपना किलोमीटर में है, एच जो है अपना वो मीटर में है होना चाहिए, तो एच अपना मीटर में ही है, ठीक है, और टी जो होता है वो अपना ओवर में आएगा. तो इसको जैसे आप वैल्यूज़ को रखते हैं, जैसे आप वैल्यूज़ को रखते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 0.585 इंटू एल की वैल्यू हो गई 13.58 का क्यूब डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू हो गई आपके 10, ओवरऑल की पावर कितनी हो गई 0.385, इट विल बी अराउंड 7.9999 = 8 आवर्स, ठीक है दोस्तों. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 8 आवर्स, 8 आवर्स इज द राइट आंसर. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका SSC JEE 2017 में पूछा गया था. दोस्तों समझ आए इस फॉर्मूले, बस आपको फॉर्मूला याद करना है कि इनलेट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 0.885 इंटू एल क्यूब अपॉन एच की पावर 3.0.385. द हाइड्रोलिक रेडियस इस गिवन पर, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं और इमीडिएट करते हैं, तो अपन हाइड्रोलिक रेडियस को ए बाई पी से डिनोट करते हैं, जिसमें ए क्या होता है आपका एरिया होता है और पी क्या होता है आपका वेटेड पेरीमीटर होता है. तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही टिक कर देना है, जो कि 2017 SSC JEE में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लाइनर रिजर्वायर. लाइनर जो रिजर्वायर होता है उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. सो ट्रू स्टेटमेंट इज स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू द आउटफ्लो डिस्चार्ज. स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू द आउटफ्लो डिस्चार्ज. जैसे दोस्तों अपन लीनियर रिजर्वायर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या होता है एस. अगर एस की अपन बात करें तो वो एस इज इक्वल टू होता है के क्यू. तो अगर एस आपका हेड हो गया, ये स्टोरेज हो गया, तो एस प्रोपोर्शनल टू आपका क्यू हो गया और के आपका एक फैक्टर हो गया, तो स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज, सीधा सीधा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 45 सेंटीमीटर डायमीटर वॉल पेनिट्रेट्स एंड अनकन्फाइंड एक्विफायर ऑफ 30 मीटर थिक अंडर द स्टडी पंपिंग रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. द ड्रॉडाउन्स एट टू ऑब्जर्वेशन वेल्स 10 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द पंपिंग वेल आर 5 मीटर एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली. वॉट विल बी द डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर. वो पूछ रहा है इफ द परमिबिलिटी ऑफ एन एक्विफायर इज गिवन एज 20 ml पर डे. दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख रखा है इस वजह से ही नहीं कि ये टफ होगा, क्वेश्चन बड़ा है, सिंपल है. ठीक है, और थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें. जैसे अपन को जो दे रखा है, अपन को पेनिट्रेट्स एंड 40 सेंटीमीटर का जो डायमीटर वॉल वेल है वो पेनिट्रेट एंड अनकन्फर्म्ड एक्विफायर ऑफ 30 मीटर थिक. तो अपन को एच दे रखा है 30 मीटर, ठीक है. उसके बाद अपन वेल रेडियस अगर निकालेंगे तो आर डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डिवाइड टू
डी बाई टू से अपन 45 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो 0.45 डिवाइडेड बाई टू दैट इज 0.225, ठीक है। उसके बाद अपन को इसने दे रखा है कि दी ड्रॉडाउन एट टू ऑब्जर्वेशन वेल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर। सो 10 मीटर इज इक्वल टू और आर वन और आर टू इज इक्वल टू, जैसे 10/2 हो जाएगा। आर वन दे रखी है अपन को 10 मीटर, आर टू दे रखा है अपन को 20 मीटर, और इसमें दे रखा है फ्रॉम द पंपिंग वेल आर 5 मीटर एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो एस वन हो गया, जो स्टोरेज हो गया अपना, वो हो गया 5 मीटर और एस टू हो गया अपना 3.5 मीटर, ठीक है। और के अपन को दे रखा है 20 मीटर पर डे, किसने लिखा हुआ है परमेबिलिटी क्या दे रखा है 20 ml, 20 मीटर पर डे। ठीक है, सो अब अपन बात करेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफायर। अनकन्फाइंड एक्वीफायर का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपन को याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, पाई के इंटू एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर अपॉन लॉग टेन, अपन लेके चलते हैं आर टू अपॉन आर वन। दोस्तों जो एच वन आएगी अपनी, ठीक है, एच वन जो अपनी आएगी वो कैसा आएगी, एच माइनस एस वन, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या है 30, ठीक है, माइनस एस वन की वैल्यू अपन देखी थी 5 मीटर थी, सो 5 इट विल बी 25 मीटर, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करेंगे अपन एच टू की, तो एच टू की वैल्यू क्या आएगी, एच माइनस एस टू, तो इट विल बी एच की वैल्यू क्या है 30 माइनस एस टू की वैल्यू क्या है अपने 3.5, सो इट विल बी 26.5, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, सो पाई इंटू 2.315 इंटू 10^-4। दोस्तों ये जो मीटर पर डे था, इसको अपन ने मीटर पर सेकंड कन्वर्ट किया, इसलिए ये 2.315 इंटू 10^-4 हो गया, इंटू 26.5 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अपन, एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एल एन आर टू अपन आर वन। आर टू की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 मीटर है, तो 20/10। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.081 मीटर पर सेकंड। जब अपन इस पूरे को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 0.081 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बेसिकली अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा ज़रूर है, कि लेकिन आपको अगर इसमें फॉर्मूला याद है तो आप सीधा फॉर्मूला रखेंगे कि पाई इंटू के इंटू एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर अपॉन लॉग आर टू अपॉन आर वन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इवेपोरेशन फ्रॉम ए पॉन्ड इफ द पेन इवेपोरेशन इज 45 mm एंड द पेन कोफिशिएंट इज 0.70। दोस्तों अगर पॉन्ड इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन फ्रॉम अ पॉन्ड इज अ पेन इवेपोरेशन 45 mm और पेन कोफिशिएंट इसमें दे रखा है। दोस्तों फॉर्मूला होता है पॉन्ड इवेपोरेशन इज इक्वल टू पेन इंटू पेन इवेपोरेशन कोफिशिएंट, ठीक है। पेन इवेपोरेशन इज इक्वल टू होता है पेन इंटू पेन इवेपोरेशन कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में अपन को जो कोफिशिएंट दे रखा है वो है 0.70 और जो पेन इवेपोरेशन दे रखा है वो दे रखा है अपन को 45 mm। अपन को क्या निकालना है, अपन को इवेपोरेशन निकालना है इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी
31.5 mm, जो इवेपोरेशन की जो यूनिट होगी वो mm में ही होगी। अगर आपको पेन इवेपोरेशन सेंटीमीटर में भी दे रखा है तो आप उसको पहले mm में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आंसर जैसा अगर यूनिट लेस है तो आप उसको फिर mm में सीधा कैलकुलेट करेंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 31.5। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपसे SSC JEE 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी। अब पूछ रहा है रेनफॉल इंटेंसिटी एमएम पर ओवर में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गिवन बाय ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 540 सेकेंड्स। दोस्तों ये जो फॉर्मूला बोल रहा है ब्रिटिश मिनिस्ट्री का वो होता है रेनफॉल इंटेंसिटी को अपन आई से डिनोट करते हैं, दैट इज 760/T+10। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है 5 से 20 मिनट के स्ट्रोम के लिए। ये फॉर्मूला क्या है 5 से 20 मिनट के स्ट्रोम के लिए। और अगर अपन बात करें 20 से 100 मिनट के स्ट्रोम के लिए तो आई इज इक्वल टू आ जाता है 1020/T+10। देखो 5 से 20 मिनट के लिए ये फॉर्मूला है और 20 से 100 मिनट के लिए है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ दे रखा है अपन को टी इज इक्वल टू 540 सेकेंड्स। 540 को अगर अपन मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 9 मिनट्स। ठीक है, इट विल बी 9 मिनट। 9 मिनट्स मतलब 5 से 20 वाले के बीच में ही आएगा, 5 से 20 वाले के बीच में आएगा। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे अपन 760 वाला। सो 760/ मिनट्स में इसको कन्वर्ट कर लिए प्लस का जो 10 रहता है वो, तो राइट आंसर विल बी 40। दोस्तों समझ आया कि इसमें दो तरीके के फॉर्मूले दे रखे हैं। एक तो आपका हो गया 5 से 20 मिनट वाला, 5 से 20 मिनट वाला जो फॉर्मूला रहेगा उसमें 760/T+10 रहेगा, और 20 मिनट से 100 मिनट वाले फॉर्मूले में 1020/T+10 रहेगा। सो राइट आंसर इज बी सी 40 mm पर ओवर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 40 mm पर ओवर, कि एक घंटे में जो रेनफॉल इंटेंसिटी रहेगी वो 40 mm रहेगी, इसकी जो डेप्थ है वो 40 mm रहेगी। कैलकुलेट द रन ऑफ सेंटीमीटर फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ 3 ओवर्स। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज 2 cm/h। द इवेपोरेशन इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज आर 8 mm एंड 16 mm रेस्पेक्टिवली। यहाँ इसने इवेपोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज भी इसने दे रखे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। तो वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये अपन से पूछा है कि रन ऑफ, ये अपन से पूछा है रन ऑफ। रन ऑफ अपन जानते हैं कि जो आर होता है वो क्या होता है, प्रिसिपिटेशन माइनस लॉसेज। लॉसेज में आपका इवेपोरेशन लॉस भी आ गया और इन्फिल्ट्रेशन लॉस भी आ गया, या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पी माइनस लॉसेज। तो लॉसेज अपन इवेपोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन को काउंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ अपन को इसने दे रखा है रन ऑफ, अपन को कैलकुलेट करना है, और जो फॉर 3 ओवर्स कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज 2 cm/h। ठीक है, जो कि 3 घंटे के लिए हुआ है। देखो रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखी है जो कि 2 cm/h है, और इसने अपन को कितने घंटे के लिए दिया है, 3 घंटे के लिए दिया है। तो देखो सबसे पहले 2 cm/h अपन को इसने दे रखा है, लेकिन कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो 2 × 3 अपन ने कर दिया। उसके बाद ये दे रखा है cm/h में, अपन को किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अपन को ये mm में कैलकुलेट करना है तो इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस e+i आपका क्या हो गया 8+16। e+i क्या हो गया अपना आपका 8+16। ठीक है, तो इट विल बी R इज इक्वल्स टू, जब आप ओवरऑल सोल्व करेंगे तो इट विल बी 60-24, दैट इज 36 mm। अब 36 mm तो यह mm में नहीं दे रखा है, 3.6, तो इसको जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 3.6 cm। सो आंसर विल बी 3.6। वैसे भी क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट करो, पर अपन ने वहाँ क्यों
एमएम में कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये एमएम में ही दे रखी थी इसलिए। तो दोस्तों जो आपका रन ऑफ का फॉर्मूला होता है वो बड़ा इजी होता है कि आपका कितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है, कितनी आपकी रेनफॉल हुआ है उसमें से आप आपके लॉसेस को माइनस कर दो। कई बार ऐसा होता है कि आपको इन्फिल्ट्रेशन लॉस नहीं दे रखा, सिर्फ इवेपोरेशन दे रखा है, तो आप इससे इवेपोरेशन लॉस इन्फिल्ट्रेशन को आप जीरो मान लो, या अगर लॉस दे ही नहीं रखा तो आप कहाँ से अज्यूम करेंगे उसको। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो इन्फिल्ट्रेशन लॉस तो ही आप उसको डालना, अदरवाइज मत डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। दोस्तों ये अभी अपन ने जो डिस्कस किया था दैट इज साइमन रेन गेज, और जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो आपका टैपिंग वेगिंग और तीसरा जो मैंने बताया था वो वाला रेन गेज होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अभी एसएससी जेई 2019 में भी पूछा गया था और उससे पहले 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोस्तों ये तो अभी बताया था मैंने आपको कि प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। दोस्तों वो फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू पी माइनस ई, तो अगर ई इधर आ गया तो रन ऑफ जुड़ गया, तो रन ऑफ प्लस प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ प्लस इवेपोरेशन इज इक्वल टू पी, तो पी इज इक्वल टू प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन इज इक्वल टू रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इरीगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, इट हैज़ एन सरफेस एरिया विड्थ ऑफ 15 मीटर, इफ़ द इवेपोरेशन मेजर्ड इन ए क्लास ए पैन इज 5 mm पर डे। ठीक है, इवेपोरेशन बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन द मंथ ऑफ 30 डेज इज, ठीक है अब ये पूछ रहा है कि 1 महीने में कितना पानी इवेपोरेट हो गया, जिसमें कि पैन कोफिशियंट आपको दे रखा है 0.7। इसने इवेपोरेशन पर डे का बता रहा है पैन में 5 mm पर डे का, ठीक है तो मंथली इवेपोरेशन कितना हो गया इसका, 5 × 30 डेट इज़ 150 mm। ठीक है पर डे अगर 5 mm हो रहा है तो 30 दिन का कितना हो गया आपका 150 mm। उसके बाद इसने पैन कोफिशियंट अपन को दे रखा है 0.7। तो दोस्तों जो लेक कोफिश लेक इवेपोरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, सी आपका 0.7 जो कि आपका पैन कोफिशियंट है इन टू 150 टोटल का जो कि पूरे महीने का हुआ है वो राउंड आ जाएगा 105 mm। ठीक है ये आपका हो गया क्या लेक इवेपोरेशन की, आपको उस लेक से कितना इवेपोरेशन हो रहा है। उसके बाद आपका आपका ये पूछ रहा है कि कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है, इसने पूछा है वॉल्यूम बेसिकली। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि आपके 80 किलोमीटर की तो कैनाल हो गई, ठीक है 80 किलोमीटर की आपकी कैनाल हो गई, जिसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको 10 × 3 करना पड़ेगा। ठीक है उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 से, ठीक है और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपना जो 105 mm आया था, 105 mm इसको आया था उसको आप इंटू 10⁻³ करेंगे। 10⁻³ क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एमएम में था उसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये किलोमीटर में था इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया है। ध्यान देना कि ये अपना किलोमीटर में था तो इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया है, 15 मीटर जो है आपकी इसकी विड्थ हो गई, कि भाई पूरी विड्थ से भी तो पानी जाएगा तो इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा 80 × 10⁻³ × 3 × 15 × 105। 105 क्या है आपका जो आपका लेग इवेपोरेशन आया है, जो अपन ने कैसे निकाला था 0.7 × 150 करके, तो 105 × 10⁻³ − 3, 10⁻³ − 3 से 10⁻³ कट जाएगी, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 126,000 m³ ए। सो ए विल बी द राइट आंसर भाई कितना पानी इवेपोरेट होगा। बेसिकली इसने क्या पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन द मंथ ऑफ 30 डेज, इसने जो है वाटर की क्वांटिटी पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी 20 mm पर आवर अकर्ड ओवर ए वाटरशेड ऑफ एरिया ऑफ 1 km² फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स, इट मेजर्स अ डायरेक्ट रन ऑफ फॉर द वॉल्यूम ऑफ 30,000 m³ इन द स्ट्रीम, फाइंड द प्रिसिपिटेशन नॉट अवेलेबल इन द रन ऑफ, नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ, नॉट अवेलेबल ही पूछ रहा है, नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ इन दिस केस। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी कि इसका जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो है 30,000 m³। ठीक है प्रिसिपिटेशन अपन इसका देखते हैं कि ये वाटर प्रिसिपिटेशन
प्रिसिपिटेशन अपन इसका देखते हैं 20 × 6 कि वह 20 mm पर ओवर है, तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 ओवर्स, ठीक है, इनटू कितने पानी का प्रिसिपिटेशन होगा, 10⁻³, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इनटू 1 × 10⁻⁶, आपके जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, बेसिकली जो एरिया दे रखा है वो आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 6 घंटे के लिए 20 mm पर ओवर के हिसाब से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रिसिपिटेशन होगा, मतलब कितना बारिश का पानी गिरेगा। दोस्तों ध्यान देना, ये अपन ने कैसे निकाला, 20 × 6 का क्यों किया भाई, 20 mm पर ओवर है 6 घंटे के लिए, ठीक है, तो 6 घंटे का वेपोरेशन, 6 घंटे का प्रिसिपिटेशन, सॉरी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि mm में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद इंटू 1 × 10⁶, 1 × 10⁶ के किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो टोटल जितना प्रिसिपिटेशन होगा, जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसका, वो क्या आएगा, 1,20,000 m³, 1,20,000 m³ क्या हो गया, ये प्रिसिपिटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ बता रही है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, लॉसेस की बात कर रहा है। लॉस कैसा होगा आपका, P-R, भाई मैं कहता हूँ कि जब आर अपन इधर रखते हैं, जब अपन आर इधर रखते हैं तो P-L लॉसेस होता है, तो यहाँ अगर लॉसेस निकालने, दैट विल बी प्रिसिपिटेशन माइनस रन ऑफ, तो प्रिसिपिटेशन अपन निकाल चुके हैं, वो कितना निकाल चुके हैं अपन, 1,20,000 माइनस रन ऑफ आपका दे रखा है सीधा सीधा 30,000, दैट विल बी लॉसेस विल बी, ये लॉस हो गया टोटल 90,000 m³, इतने का आपको लॉस हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ इन दिस केस, कि उतना प्रिसिपिटेशन जो रन ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं, पर ये एमएम में पूछ रहा है दोस्तों। तो 90,000 आपका डिवाइडेड बाय 1 × 10⁶, वो m³ में था, और इंटू 100, आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कि दोस्तों ये जो लॉस है ये आपका क्या है, ये इस पूरे एरिया में है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो 90,000 m³ अपन ने निकाला है, 90,000 जो m³ निकाला है अपन ने, वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में है, पर ये पूछ रहा है एक जगह का, एक जगह का करने के लिए आपने इसको ओवरऑल एरिया से कन्वर्ट कर दिया, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ जाता 1 m³ का। अगर आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी 9 cm। आज जब इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 9 cm, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन समझ आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है, आपको सीधा रन ऑफ दे रखा है, पर आपको प्रिसिपिटेशन निकालना है। प्रिसिपिटेशन कैसे निकाला आपने, 20 × 6, ठीक है, इंटू 20 × 6 कर दिया आपने, 10⁻³ -3 कर दिया आपने, एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इंटू 1 × 10⁶ किया किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, आगे प्रिसिपिटेशन आ गया, उससे आपने आपका लॉस निकाल दिया, दैट इज 90 के m³। अब आप 90 के m³ को, आप ये है पूरा 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, भाई कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो लॉस होगा वो 90,000 होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो लॉस होगा वो 90,000 m³ होगा, पर अगर अपन उसको एक डेप्थ में कन्वर्ट करने के लिए चाहें, तो डेप्थ में अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁶ की, जब 1 × 10⁶ के लिए 90,000 था, तो 1 m³ के लिए कितना होगा, 10⁶, और मीटर नहीं अपन को सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बी 9 cm। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2019 में पूछा गया था लास्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल इन विच द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इज मैक्सिमम। तो जो दोस्तों जो आपकी कंट्रोल कैनाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आते हैं, और जो रिज कैनाल होती है उसमें आपके काफ़ी कम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आते हैं, सो राइट आंसर विल फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए लार्ज कैचमेंट कंट्रोल ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वर प्लॉटेड, दैट प्लॉट इज नोन एज आइसोहेड्रल मैप्स, दैट प्लॉट इज नोन एज आइसोहेड्रल
मैं दोस्तों जो आइसोलेट लाइन होती है, दैट इज़ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, मतलब कहाँ का कितनी बारिश हुई सेम लेवल की सेम मैग्नीट्यूड की उस लाइन को जो जोड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोहेड्रल मैप। नेक्स्ट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप प्लीज़ कमेंट करें, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू, सी यू।